So in this another article from The Hindu, a modified UBI policy may be more feasible. देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की पॉलिसी के बारे में बात हो रही है. ऑथर जो है वो प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर. यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में डिस्कशन और डिबेट बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिबेट है कि ऑफ्टन इट राइजेज एंड देन ऑफ्टन इट फॉल्स डाउन. सो इट्स लाइक दैट. टाइम टू टाइम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वायबिलिटी के बारे में चर्चा होती है इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये अच्छी चीज है एक ही बारी में सबको पैसा एक ही बार के लिए दे देना चाहिए या गवर्नमेंट जो है वो ऐसा ना करे और टाइमली इंटरवेंशंस करती रहे और धीरे धीरे जो है लोगों को पैसा पहुंचाए. ये दोनों के बारे में जो सवाल जवाब है वो अक्सर रहते हैं. तो इस आर्टिकल में ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन कि एक मॉडिफाइड यूपीआई पॉलिसी ज्यादा ठीक रहेगा इंडिया के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस आर्टिकल में हम सारी चीजें देखेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में एंड व्हाट नीड्स टू बी डन अगर यूपीआई को कामयाब बनाना है या इंडिया में इसे इंप्लीमेंट करना है तो. और हम आर्टिकल के दौरान ही समझते चले जाएंगे कि क्यों यूपीआई अच्छी चीज नहीं है और अगर अच्छी है तो किन ग्राउंड्स के ऊपर सही. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, द आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम कीप्स सरफेसिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. अ रीसेंट रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टॉक्स अबाउट हाउ जॉब्स ग्रोथ हैज बीन लैगिंग ग्लोबली due to automation and artificial intelligence and notes the massive problem of youth unemployment in India. The phenomenon of jobless growth where productivity rises but job creation lags and contributes to the alarming trend in inequality has rekindled interest in a UBI as a component of a social safety net across the world. ये पूरी दुनिया में जॉबलेस ग्रोथ के वजह से यूबीआई के बारे में एक बार बात फिर से हीट पकड़ रही है, खास करके कि जब पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स हैव अडॉप्टेड द इंटरवेंशन मॉडल वेलफेयर स्टेट के मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एक बार फिर से डिस्कशन जो है वो राइज पे है. वेल देयर वॉज अ फेयर बिट ऑफ डिस्कशन सराउंडिंग यूबीआई इन इंडिया अ फ्यू ईयर्स एगो विद स्कॉलर्स एंड पॉलिसी मेकर्स डिबेटिंग whether it is worth replacing some inefficient welfare schemes with direct income transfers to the poor or not. The idea gained significant attention after the 2016-17 Economic Survey of India recommended considering UBI as a potential policy. Well, it was argued that investments in the JAM infrastructure, you know that JAM agenda, Jandhan, Aadhaar and mobile infrastructure, investments in the JAM infrastructure have also made it feasible to implement direct benefit transfers to beneficiary bank accounts. और इसमें कोई दोराई नहीं कि सरकार ने अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डीबीटी की बात करें, जैम एजेंडा की बात करें, इसके बारे में बहुत ज्यादा काम किया है. वो अलग बात है कि हमने उसको एक यूबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, हमने अपने लूप होल्स को प्लग करने के लिए किया है, लीकेजेस को अरेस्ट करने के लिए किया है, इंटरमीडियरीज की जो एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हैं हमने उनको ठीक करने के लिए किया है, थिंग्स लाइक दैट. सो वेदर इट इज अ टूल टू डील विद अनएम्प्लॉयमेंट और विद पॉवर्टी and the two are not unrelated, a question that often comes up is this, ki should India adopt some version of UBI to deal with these challenges? Kya hum unemployment or poverty jaise challenges ko tackle kar sakte hain? But now, a policy can be debated in terms of feasibility and desirability. Ki kya India mein iski zarurat hai aur क्या ये फीजिबल है इंडिया के केसेस में. सो समथिंग दैट इज फीजिबल मे नॉट बी द मोस्ट डिजायरेबल पॉलिसी एज वन मे हैव डिफरेंट पॉलिसी प्रायोरिटीज. द आर्ग्यूमेंट दैट वी शुड हैव पॉलिसीज टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ
or deal with the slack demand for mass consumption goods that comes with rising unemployment, or that we need universal basic services for all people are all valid points. तो पहले तो ये आप जान लीजिए कि हमारे पास ऐसी policies होनी चाहिए कि उससे employment growth बढ़े, या mass consumption goods की जो growth है वो लोग ज़्यादा consume करें, या यूं कह लीजिए कि लोगों को चलो अगर हम इतना ना provide करवा सकें तो इतना तो देना ही देना है कि सबके पास basic services का access तो हो. ये सब valid points हैं. But as critiques of a UBI, they are misplaced. As at best, it is a policy to help people cope with the consequences of unemployment. Policies need to be evaluated with respect to the specific problems that they are designed to address, which in turn correspond to specific social objectives. ऐसा ही तो होता है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नेशनल हेल्थ मिशन बनाया है तो आप जॉब सिक्योर करने के लिए हेल्थ मिशन तो नहीं बना रहे ना. यू हैव अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, यू हैव अ स्पेसिफिक एड्रेस टू लाइक केटर टू, और उसकी वजह से उसको पूरा करने के बाद फिर उससे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं वो आपका आउटपुट होता है, या यूं कह लीजिए वो आपका एक डिजायर्ड प्लान होता है कि हाँ भाई अगर हम नेशनल हेल्थ मिशन लेके आए हैं द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल बिकम हेल्दी, या फिर यूं कहना कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल हैव एक्सेस टू फूड, एवरीबॉडी विल हैव एक्सेस टू फूड. इट्स लाइक दैट. मैं फिर से पढ़ूंगा इस लाइन को. Policies need to be evaluated hamesha with respect to the specific problems that they are designed to address, jiska badolat aage, which in turn correspond to specific social objectives. Example ke taur pe, investing in better transportation is a great policy to improve productivity and mobility, but it is not fair to criticize it as it will not directly deal with poverty. समझ गए ना बात क्या कह रहा है. एक स्पेसिफिक टारगेट अगर उस चीज का है तो आप उसको उसी पैमाने से जज करोगे. फिजिबिलिटी की बात वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो कहते यूबीआई को भी इवैल्यूएट करना चाहिए एज अ सेफ्टी नेट पॉलिसी. पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करने के लिए ही यूबीआई को लेके आ रहे हो ना, तो उसके संदर्भ में देखो इज इट अ साउंड पॉलिसी और इज इट नॉट. क्या ये उस सोशल सेफ्टी नेट को भर पाएगी जिसको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज ने भरना था. आप यही कह रहे हो ना कि उसकी जगह पे हम यूबीआई लेके आएंगे, तो हमारा इवैल्यूएशन यूबीआई को लेके भी यही होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. सो एट द सेम टाइम समथिंग दैट इज डिजायरेबल मे नॉट बी फीजिबल फ्रॉम ए बजटरी पॉइंट ऑफ व्यू. इस पैराग्राफ में आपको यह समझाया है कि हर बार ये जरूरी नहीं होता कि जो फिजिबल हो वो डिजायरेबल भी हो. अब इस पैराग्राफ में ये बताएगा ये जरूरी नहीं होता कि हर बार जो डिजायरेबल हो वो फिजिबल भी हो, खास करके पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से. इवन इफ वन वर टू एग्री दैट अ यूबीआई इज इंडीड डिजायरेबल एज अ सोशल सेफ्टी नेट पॉलिसी, इट मे नॉट बी फिजिबल given budgetary constraints. The real question is this, is a modified and less ambitious version of a UBI worth exploring? So in this context, some terminological confusion prevails. So it might appear that some forms of a UBI already exist in India, such as cash transfer schemes for farmers and women. While these are cash transfer schemes, a UBI by definition must be universal, that is not targeted to any specific group. इसलिए इंडिया में जो cash transfer schemes चल रही हैं, we cannot call them the UBI because they are targeted to one specific audience. On the other hand, UBI by definition is universal. A comparison with other forms of safety net policies is fair and indeed even necessary. Well, these could be policies that are targeted to specific demographic groups such as women or the elderly, or those that are contingent on certain socio-economic criteria being met, jaise ki farmers, the unemployed, the poor, or those that are in kind
rather than cash. जैसे कि public distribution system में आप लोगों को cash नहीं दे रहे, पर आप उनको kind में help कर रहे हो ना, सस्ते पे अनाज देके. और those that are conditional on being willing to work, जैसे मनरेगा के अंदर, या फिर sending children to school, जैसे कि मिड डे मील. तो यहां पे आप लोगों को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहे, बट उसके उसके जगह पे आप उनको जो है वो कोई ना कोई या तो काम ऑफर कर रहे हो मनरेगा में, या मिड डे मील स्कूल में आप खाना ऑफर कर रहे हो, पर आप चाहते हो कि बच्चे स्कूल में इसकी वजह से जाएं. पर कई कैश ट्रांसफर्स के अंदर तो डायरेक्टली कैश ट्रांसफर्स ही हो रहे हैं. सो फॉर अ गिवन बजट डिवोटेड टू डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम्स और सोशल सेफ्टी नेट पॉलिसीज, द चॉइसेस आर डिटरमाइंड बाय वेरियस कंसिडरेशंस. पहला, is the goal to provide a safety net or minimum consumption support or long term poverty alleviation? क्या आपका ये goal है? दूसरा, are certain groups more vulnerable and require more assistance? या फिर, is it a remote rural area where in-kind assistance would be more helpful to the poor? या फिर, does limited state capacity mean inclusion and exclusion errors make means tested programs not very effective to target the poor? Or in addition, be subject to bureaucratic delays, glitches and corruption? So these are some of the important questions जिनको answer करना पहले जरूरी है before we decide upon the viability of this scheme, UBI. तो आगे जो थोड़ी सी बात उन्होंने लिखी है स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम्स के बारे में, तो हम पहले थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे पास जो कई कंपोनेंट्स आपके पार्शियल यूबीआई के ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे स्टेट सरकारों के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो कितना ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन हमारे पे बनाते हैं, ताकि हमें एक फेयर कंपैरिजन मिल जाए कि अगर वो एक लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करने पे इतना बर्डन है, हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू कोप अप अगर हम यूबीआई लागू करते हैं. तो इन रीसेंट ईयर्स इंडिया हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इनकम ट्रांसफर स्कीम्स एज पार्ट ऑफ इट्स एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजीज, especially in the agriculture sector. जैसे कि शुरुआती 2018 में तेलंगाना launched the Raitu Bandhu scheme, which gave farmers unconditional payments of 4,000 per acre. This approach was soon replicated at both the state level, which is the Kalia scheme or Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation Program in Odisha. ये आपके ओडिशा में लागू की गई कालिया स्कीम राइतु बंधु को देख के, एंड इवन एट द नेशनल लेवल विच वी कॉल एज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. द पीएम किसान ऑफ 2018-19 इनिशियली प्रोवाइडेड 6,000 पर ईयर टू स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, बट वॉज लेटर एक्सपेंडेड टू कवर ऑल फार्मर्स एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स पेयर्स एंड दोज नॉट एंगेज्ड इन फार्मिंग. एंड बाय 2020-21 तक आते द स्कीम एम्ड टू कवर अराउंड 10 करोड़ फार्मिंग हाउसहोल्ड्स with an estimated cost of 75,000 crores, roughly that is 0.4% of the GDP. ये estimate है हमारे PM किसान का, जिसमें कि अगर 10 करोड़ farming households को target किया जा रहा है, तो साल में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं तीन installments में, 2,000 की तीन installments में. Well, despite the program's scale and relative success, issues such as inclusion and exclusion errors persist, mainly due to logistical challenges such as Aadhaar verification and rejections by banks. So it is to overcome limitations such as these that the proposal to make them universal, covering all citizens, has been proposed. कि पहले आप ऐसे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को हराओगे, पहले आप इनको सही करोगे, उसके बाद ही संभव है कि अगर हम 1% सोचना भी चाह रहे हैं कि ऐसी स्कीम को हम यूनिवर्सल अगर बनाना चाहते हैं तो. सो यूनिवर्सल इनकम ट्रांसफर्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस. पहला, दे रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद टारगेटिंग एंड मिनिमाइज एक्सक्लूजन एरर्स. ऑब्वियसली बात है, जब आपने सबको ही देना है
तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की तो बात ही खत्म हो जाती है। सिंस द ट्रांसफर्स आर यूनिवर्सल फ्यूअर इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व लोअरिंग द चांसेस ऑफ लीकेज। यूनिवर्सल ट्रांसफर्स ऑल्सो अवॉइड वर्क डिसइंसेंटिव्स ऑफ्टन एसोसिएटेड विद टारगेटेड प्रोग्राम्स। कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, कंडीशनल ट्रांसफर्स के दौरान क्या होता है कि कुछ इंसेंटिव्स होते हैं कि अगर वो काम आप करोगे तो आपको मिलेगा, जैसे मिड डे मील। अब स्कूल जाओगे बच्चों को तो मिलेगा ना, तो यूनिवर्सल सेफ्टी नेट के अंदर कहते हैं कि ये बात भी फायदा हो जाता है कि कोई इंसेंटिव जुड़े नहीं होते, कोई कंडीशनैलिटीज जुड़ी नहीं होती, यू जस्ट गिव देम एट ऑल। अ कॉमन रिएक्शन टू सच ए प्रपोजल इज टू क्वेश्चन व्हाई द वेल्दी शुड ऑल्सो रिसीव अ बेसिक इनकम। But however, this viewpoint misunderstands how tax and benefit systems operate. Well, in any advanced economy, individuals pay taxes and receive some form of government support, जैसे कि child benefits, depending on their circumstances. So what ultimately matters is their net income here. उसी तरह wealthier individuals would pay far more in taxes than the amount they would receive from a UBI. कौन सा सरकार ये कर रही है कि wealthier individuals को जो support है वो ज्यादा दे रही है और बाकी लोगों को कम दे रही है? ऐसा तो नहीं है। अगर आपने जब यूनिवर्सली डिटर्मिन ही कर लिया तो सपोर्ट तो सबको जाएगी ना एक ही बारी में। अगर आपको लगता है कि नहीं, जरा काम करते हैं कि हम अमीरों को मिलने वाला जो वो सो कॉल्ड सपोर्ट है उस पैसे को भी बल्कि डिवाइड कर लेते हैं गरीबों में, यही तो फिर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स में दिक्कत आ जाएगी। यहीं पे तो फिर आपको इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ेगी उनको बोलने के लिए कि आप डिटरमिन करके बताओ कौन से ग्रुप को देना है। और फिर सबसे बड़ी बात एक और भी है ना, अगर आपने ग्रुप को ही टारगेट करना है तो फिर वो यूबीआई नहीं है ना, तो मेन एस्पेक्ट पे घूम फिर के बात वही है। इसलिए तो अब ऑथर ने आपको सॉल्यूशन दिया है कि फिर होना क्या चाहिए। हाउएवर वेयर द केस अगेंस्ट अ यूबीआई स्कीम इन इंडिया हैज वैलिडिटी इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। यूबीआई प्रपोजल्स ऑफ्टन सजेस्ट लार्ज ट्रांसफर्स अमाउंटिंग टू 3.5% या 11% ऑफ द जीडीपी विच वुड ईदर रिक्वायर कटिंग अदर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स और ड्रास्टिकली रेजिंग टैक्सेस। दोनों ही काम करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 11% ऑफ द जीडीपी अगर आपको फाइनेंस करना है यूबीआई से तो तभी संभव है ना, या तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे या फिर जो बाकी प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं पॉवर्टी को बंद करने के उनको आपको रोकना होगा। A more feasible approach would be to adopt a limited universal income transfer scheme, जैसे कि this writer, author with economist Karthik Muralidharan has explored such a policy that is pegged at 1% of GDP per capita. इसके example के तौर पे कि this would provide approximately 144 rupees per month to every citizen, या roughly अगर कहें 500 a month a household। एक परिवार में अगर 5 जन है या 4 जन है तो ऐसे में कहते अगर आप 500 रुपए एक महीने में एक हाउसहोल्ड को अगर आप दो, which works out to be similar to that of PM किसान। एक तरीके का वो PM किसान जैसी बात निकल के आती है क्योंकि उसमें भी तो आप साल के 6000 ऑफर कर रहे हो ना, इट्स लाइक दैट। It can be implemented simply by roughly doubling the budget for PM Kisan and making it universal, which means it would reach not only farmers but also landless laborers who are often poorer. If one thinks the amount is too little, ये तो बहुत कम है, recall that the Tendulkar poverty line, जो कि 2022-23 के prices के ऊपर 1500 रुपए महीना है रूरल एरियाज में और 1850 रुपए है अर्बन एरियाज में और एवरेज है 1600 रुपए। आज की डेट में जो एज पर द डेटा हमारी पॉवर्टी लाइन है एज पर द कमेटी, तो आपको पता होना चाहिए कि 2022-23 के प्राइसेस के ऊपर जो लाइन है 1500 रुपए महीने से कम अगर कोई कमा रहा है तो हम तब जाके उसको बोल रहे हैं कि वो गरीब रेखा में आ रहा है। और अर्बन एरियाज में इट्स क्लोज टू लाइक 1850 एंड एवरेज इज लाइक 1600।
तो अगर आप इस अप्रोच से देखें तो फिर भी आपको पता चलता है कि ठीक है, एक बारी के लिए अ बिगिनिंग इज गुड, कि एटलीस्ट चलो वो जितनी भी इनकम अपनी खुद दिन में कमा रहा है, एटलीस्ट वो कॉम्प्लीमेंट्री रोल तो प्ले करेगा ही करेगा, कुछ तो साथ उसके जुड़ जाएगा। और वेल, दिस अप्रोच कुड ऑल्सो सिंप्लीफाई इम्प्लीमेंटेशन बाय रिड्यूसिंग एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन कॉस्ट। भाई ये तो है ही, देखो जब आपने किसी को वेरीफाई करना ही नहीं, जब डिसाइड ही कर लिया सबको ही देना है, तो फिर वो तो जो जो चैलेंज है पीछे वो आपने देखा इंटरमीडियरीज का या इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, वो तो खत्म हो गया ना। फिर However, there are still logistical challenges such as ensuring access to cash out points, minimizing network and biometric authentication failures, and addressing issues with electronic payment devices. ये मुद्दे फिर भी रहेंगे। अभी जरूरी तो नहीं ना हर इंसान का आज की रेट में जिसका खाता नहीं है तो वो उसको जाके पैसे निकलवाने पड़ेंगे। आपने आपने कई पोस्ट ऑफिसेस को या कई बैंक्स को मान लीजिए डेजिग्नेट कर दिया कि हाँ भाई जिन लोगों के पास अपने बैंक अकाउंट्स नहीं है तो वो जाके अपना आधार दिखा के कैश आउट जो है वो अपने हर महीने का ले सकते हैं। तो कई बार ये हो सकता है कि कैश आउट पॉइंट्स का एक्सेस ही ना हो, या हो सकता है कि नेटवर्क और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। आजकल भी आपने देखा होगा कि कई बार लोग बैंक में पैसा विदड्रॉ करवाने जाते हैं तो कई बार बैंक के अंदर सिस्टम फेल हो जाते हैं। It's like that. तो ये चैलेंजेस रहेंगे। These last mile delivery problems need to be addressed to ensure the success of universal income transfers in India. And given the fiscal constraints that state and central governments face, so it is natural to be skeptical of new policies when other policies that are somewhat similar are already in place. बात तो सही है। पर ऐसे में ऑथर कहता है कि मेरे विचार में हैविंग अ मॉडिफाइड यूबीआई पॉलिसी एज डिस्क्राइब्ड अबव एज अ बेस टू व्हिच अदर ट्रांसफर पॉलिसीज कैन बी एडेड एज एंड व्हेन एप्रोप्रिएट एंड फीजिबल इज अ गुड मॉडल। एग्जांपल के तौर पे मनरेग्स प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट मे एक्सक्लूड दोज अनेबल टू वर्क सच एज द एल्डरली और द डिफरेंटली एबल्ड। So combining MNREGA with the modified UBI scheme could ensure comprehensive coverage for different vulnerable groups जो MNREGA के benefits नहीं कमा पा रहे। The COVID-19 pandemic underscored the point that income and in-kind transfers are complementary. Example, income is critical during supply chain disruptions. क्योंकि लोगों के हाथ में अगर पैसा रहेगा, देखो इकोनॉमी के अंदर जो पैसे की सर्कुलेशन है वो तभी बढ़ती है व्हेन पीपल हैव द मनी एट देयर डिस्पोजल। अपने हाथ में पैसा हो तो तभी पैसा सर्कुलेट हो रहा। ये बात कोविड ने कहते नो डाउट पूरी दुनिया को ही खैर रादर सिखा दी है। सो इनकम इज क्रिटिकल ड्यूरिंग सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड फूड एक्सेस इज एसेंशियल व्हेन पीपल लैक परचेसिंग पावर। तो ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम मॉडिफाइड तरीके से आप लागू करोगे, जो ऑथर ने कहा है कि इस तरीके से हो सकता है, तो उससे क्या होगा, जो लास्ट में उन्होंने बात लिखी है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है उससे वो बढ़ेगी और जो वल्नरेबल है वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता पाएंगे इस स्कीम के जरिए, और जो इनकम सपोर्ट वो ऑलरेडी गार्नर कर रहे हैं अपने कहीं कुछ भी कमा के या जहां पे भी काम कर रहे हैं, सो दिस यूबीआई के अंदर दिया गया पैसा वुड हेल्प देम समवेयर डाउन द लाइन। और अगर हमने उन्होंने कॉस्ट के बारे में बात आपको बता दी कि अगर आप पीएम किसान के तहत कुछ लोगों को छोड़ के, जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आ रहे, जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको छोड़ के आप सबको कवर करना चाह रहे हो, तो आज की डेट में अगर आपको 0.4% ऑफ द जीडीपी की कॉस्ट पड़ रही है और टोटल पैसा पड़ रहा है 75,000 करोड़, सो इट्स एज सिंपल एज दैट। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको डबल कर दो सबको देने के लिए, देन इट वुड अमाउंट टू क्लोज टू 1.5 लाख करोड़ एंड द जीडीपी वुड कम टू 1% ऑफ द जीडीपी। और इसको उन्होंने फिर ये नहीं कहा कि इसको चैनलाइज नहीं करना, इसको चैनलाइज आप दूसरे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो बिल्कुल सिमिलर इन फेट है, आप उनको या तो बंद कर सकते हो जैसे उन्होंने कहा, या फिर आप टैक्सेस को थोड़ा सा राइज कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन गवर्नमेंट के पास खुले हैं डिपेंडिंग अपॉन द वायबिलिटी
and this is the article we have. And definitely there are so many debates and so many like contradictory points कि फिर भी feasible ज़्यादा नहीं है, but उन्होंने कुछ merit अपने according जो है author के विचार जो है वो personal है, देखो कोई official viewpoint नहीं है government का, so it's the personal viewpoint उन्हें लगता है कि एक modified UBI policy अगर रहती है तो वो feasible ज़्यादा होगी, और खास करके जो लास्ट में बात लिखी है उन्होंने considering the impact of the COVID-19 और ऐसे समय में जहां पे पूरी दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शंस के साथ जूझ रही है, इनकम ट्रांसफर्स या इनकम एट डिस्पोजल होना और खाने का एक्सेस होना ये बहुत मस्ट है, बहुत ही मस्ट है, खास करके तब जब लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है इतनी ज्यादा. तो दिस इज द आर्टिकल वी हैव.